नमस्कार। नारी ने अपने श्रम से कला के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इनमें से कुछ ऐसी देवियां हैं जो मानव जाति के लिए एक मिसाल बन गई है और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि समाज एवं समाज के बंधन उनके हाथों का महज एक रंग और कागज है। आज हम एक ऐसे ही हस्ती के बारे में जानेंगे। कहते हैं जन्म कब होगा और मृत्यु कब आएगी ये तो हम में से कोई भी तय नहीं कर सकता, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये हम जरूर तय कर सकते हैं। और इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भारतीय जगत का सितारा। शी वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पेंटर ऑफ इंडिया। अमृता शेरगिल 8 साल की उम्र में उनके माता पिता के साथ भारत आए थे। भारत की गरीबी, उच्च नीच का भेद, अंग्रेजों का राज, ये सब उनके मन पे गहरा असर कर गया। 16 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल अपनी माँ के साथ चित्रकारी सीखने पेरिस चली गई। वहाँ पे 1932 में उन्होंने अपनी पहली सबसे महत्वपूर्ण चित्रकृति यंग गर्ल्स बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें से 1933 में पेरिस में ग्रैंड सालो का एसोसिएट चुन दिया गया। यह सम्मान पाने वाली वे पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की कलाकार थी। सन 1934 में उनके मन में भारत लौटने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। वापस आकर उन्होंने अपने आप को भारत की परंपरागत कला की खोज में लगा दिया। इसी दौरान अमृता शेरगिल वॉज गोइंग थ्रू अ ट्रिमेंडस इमोशनल एक्सपीरियंस एज शी वॉज ड्रॉइंग इंडियन मेल एंड फीमेल पेंटिंग्स एंड दोज आर अमंग हर ग्रेटेस्ट वर्क। उस जमाने के भारत को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा था, सुंदर हरे भरे मैदानों में धीरे धीरे चलते फिरते काले दुखी चेहरे, अत्यंत कुरूप, दुबले पतले स्त्री पुरुष ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई छाया चित्र हो और उन पर एक अकथनीय उदासीनता का साम्राज्य है। और यही उदासीनता का साम्राज्य अमृता के ऊपर हावी हो गया। उन्होंने बनाए हुए चित्रों में एक उदासीनता की छाप रह गई। स्थिति को और लोगों के प्रति उनकी संवेदना की गहराई को उनके चित्रों में साफ दिखाई दिया है। उनके चित्रों को आकार दिया उनके मन की करुणा ने, उनके संवेदनशील स्वभाव ने। अपने बारे में बताते हुए वो हमेशा कहते थे, माय आर्ट इज नॉट माय करियर, इट इज माय सेल्फ एंड आई नो माय सेल्फ दिस वे ओनली। इन 1938 शी मूव्ड टू हंगेरी टू मैरी हर कजिन विक्टर एंड शी सेड, आई डोंट थिंक आई पेंट एट ऑल इन यूरोप एज यूरोप बिलोंग्स टू ओनली आर्टिस्ट पिकासो एंड आर्टिस्ट मार्टिस बट माय इंडिया बिलोंग्स टू ओनली मी। वे अपने भारतीय मूल को जागरूक करना चाहते थे। 1936 में उन्होंने अजंता एलोरा का दौरा किया। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ फिजिक एंड द बॉडी आउटलाइंस ऑफ द फिगर्स। इन 1939 उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा कि आई एम फियरफुली टायर्ड, I have been walking like one possessed। इस खत के बारे में सोचने पर लगता है जैसे मृत्यु के बारे में उनके गहरे मन में संदेह पैदा हो गया था।
1941 वे लाहौर गए। वहां पे उनके एक एग्जीबिशन के डिस्प्ले की तैयारी में अचानक बहुत बीमार हो गए और कोमा में चले गए। 6 दिसंबर 1941 में उनकी मृत्यु लाहौर में ही हो गई। उनकी मृत्यु का सही कारण आज तक नहीं पता चल पाया। अमृता शेरगिल, उनका हर एक पेंटिंग खुद की और समाज की खोज थी। उनके हर एक पेंटिंग में दर्द था, एक कहानी थी जो खुद अमृता अपने कलर से लिखती थी। अमृता शेरगिल ने अपने कला में खुद को समर्पित किया। उन्होंने उनके दौर में कला के क्षेत्र में दिया हुआ योगदान हमेशा अमर रहेगा।